हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोग का फिर से स्वागत है। और मेरा नाम है रहमुद्दीन अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सेलर अंसारी। तो दोस्तों, एक लड़के ने कमेंट किया था, उसका नाम है नौशाद अली। वो बार बार भाई फेसबुक पर कमेंट कर रहा था कि भाई इस टॉपिक पर एक प्रॉपर वीडियो बना दो कि अगर हम जीपी रेटिंग कोर्स कर रहे हैं, अगर हम फेल हो जाते हैं और फर्स्ट अटेम्प्ट में हमारा एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है, तो सेकेंड अटेम्प्ट या थर्ड अटेम्प्ट में अपना एग्ज़ाम क्लियर करेंगे तो क्या हमें जॉब लेने में दिक्कत होगी कि नहीं, इस पर एक प्रॉपर वीडियो बना दो। और हमारी मार्कशीट जब आएगी तो उस पर क्या लिखा रहेगा कि हमने एक अटेम्प्ट में पास किया है कि दो अटेम्प्ट में पास किया है कि तीन अटेम्प्ट में पास किया है, इस पर एक प्रॉपर आप वीडियो बना दो। तो मैंने सोचा कि भाई के मन में एक डाउट है तो इस डाउट को क्लियर किया जाए। और भाई ने परफेक्ट क्वेश्चन पूछा है कि भाई हम लोग का जो सर्टिफिकेट आएगा उसमें क्या लिखा रहेगा, तो इस वीडियो में हम लोग प्रॉपर यही जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यदि मेरा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या मेरा यूट्यूब चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और शेयर करना तो बिल्कुल ही ना भूले, क्योंकि मैं मर्चेंट नेवी से रिलेटेड वीडियो हमेशा इस यूट्यूब चैनल पर लाते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आप जीपी रेटिंग कोर्स कर रहे हैं और जीपी रेटिंग कोर्स करने के बाद आप अपना एग्ज़ाम देते हैं 6 महीने के बाद, अगर मान लीजिए कि बाय द वे आप एग्ज़ाम में फेल कर जाते हैं तो आप रिपीटर हो जाते हैं, और जब आप रिपीटर होंगे तो फिर से आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो जब दोस्तों आपको दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ेगा तो ये एक सिचुएशन आपके सामने खड़ी हो जाती है कि हम जब रिपीटर का एग्ज़ाम देंगे तो जो हमारी मार्कशीट आएगी वो मार्कशीट में क्या लिखा रहेगा कि हमने एक अटेम्प्ट में एग्ज़ाम क्लियर किया है कि दो अटेम्प्ट में एग्ज़ाम क्लियर किया है। तो दोस्तों, ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं होगा। आप जब रिपीटर का एग्ज़ाम देंगे तो आपकी मार्कशीट सेम वही आएगी, बस उस पर आपका एंट्री डेट लिखा रहेगा कि आपने जुलाई बैच में लिया है 2021 में, और आप पास आउट जब हुए हैं तो आप जितनी लेट से पास आउट होंगे वो मेंशन होता है उसमें। जैसे मान लीजिए कि आपने जनवरी बैच 2023 में एडमिशन लिया और जनवरी बैच में फेल हो गए, जुलाई बैच में भी फेल हो गए, तो जितना बैच में आप फेल होंगे उस बैच को नहीं लिखा रहेगा बल्कि आपका एग्जिट डेट लिखा रहेगा कि आपने इतना तारीख को शुरू किया, इस बैच में शुरू किया और इस सन में आपने क्या किया तो पास आउट किया, बस आपके मार्कशीट में यही मेंशन रहेगा, अदरवाइज कुछ मेंशन होने वाला नहीं है। ये तो मैंने क्लियर कर दिया। दूसरी बात ये रही कि लड़के ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भाई अब ये बता दो कि हम लोग को जॉब लेने में दिक्कत होगी कि नहीं। तो देखिए भाई, अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में भी क्लियर करते हैं और अगर आप 7वें अटेम्प्ट में भी क्लियर करते हैं तो वो डिपेंड करता है कि आपका रेफरेंस कितना तगड़ा है और आप कंपनी में कैसे इंटरव्यू फेस करते हैं। अगर आप 5 अटेम्प्ट में जीपी रेटिंग एग्जाम क्लियर किए हैं, अगर आपका रेफरेंस है और आप एग्ज़ाम कंपनी का एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास कोई रेफरेंस नहीं है और कंपनी का एग्ज़ाम भी आप दे रहे हैं और आप एग्ज़ाम में फेल हो जा रहे हैं तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में भी क्लियर कीजिए तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो बस हम आप लोग से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि फर्स्ट अटेम्प्ट लास्ट अटेम्प्ट सब छोड़िए, मन लगाकर आप लोग काम कीजिए, मन लगाकर आप लोग पढ़ाई कीजिए। अगर बढ़िया से पढ़ाई करके निकलिएगा तो आप लोगों को जॉब जरूर मिलेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और एक तरीका और मैं आपको बताता हूँ कि कभी भी आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं तो अपने आस पड़ोस जो भी लोग मर्चेंट नेवी में काम कर रहे हैं उनसे आप सलाह एक बार जरूर ले लीजिए कि भैया हम इस कॉलेज से कर रहे हैं या सर हम इस कॉलेज से कर रहे हैं तो ये कॉलेज अच्छा है कि नहीं, क्योंकि उनसे आप सलाह लीजिएगा तो आपको जेन्युइन तरीका से बताएंगे कि कैसे मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है। इसी तरह कहीं से भी फॉर्म खरीद के भर देना, कहीं से भी या कोई भी लिंक मिल जाए उस पर क्लिक करके फॉर्म भर देना, ऐसा आप मत कीजिए। आप लोग किसी अच्छे व्यक्ति से सलाह ले लीजिएगा अपने आसपास, तभी आप लोग फॉर्म फिलअप कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, यही एक छोटी सी वीडियो है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरा जो दूसरा चैनल है उसका नाम है अंसारी जीएस एकेडमी, तो उसको भी सब्सक्राइब करें क्योंकि वहाँ पर भी आप लोगों का प्रिपरेशन कराया जा रहा है। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।